हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग पेड़ ऑफ फिजिक्स वाला, मेरा नाम उमर, आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की सीरीज, जहां पर हम बातचीत करते हैं कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के बारे में। और आज उसी श्रेणी में, उसी सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ IIIT इलाहाबाद के बारे में। आजकल इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, एक शानदार सा शहर है, इसमें एक अलग ही वाइब है। मैं भी वहाँ रहा हूँ तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ मज़ेदार शहर है, जानदार शहर है। और कॉलेज तो आपका बहुत ही शानदार है, अति उत्तम सर्वोत्तम हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। जबरदस्त IIIT है भाई, जबरदस्त IIIT, बहुत सारे मैं तो NITs के इसको ऊपर रखता हूँ। अगर आप UP के JEE एस्पिरेंट हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये प्रेफर करना आपके हित में है, आप जरूर करिए, टारगेट करिए। आज मैं आपको इनके रैंक्स के बारे में बताऊंगा, उतने रैंक्स ला करके आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए चर्चा का विषय बनाते हैं आगे। वन ऑफ द बेस्ट IIT & ECE कॉलेज है, जबरदस्त था कॉलेज, आपको ये देखने को मिलेगा। फ्लेक्सिबल, ये कहीं और नहीं मुझे मिला, यही पहली बार मैंने ये चीज देखी है कि ये फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम फ्रेमवर्क चलाते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए आपको, आप एडमिशन लेते हो BTEC में, ठीक है। अब अगर मतलब इसके थ्रू आप जाते हैं एडमिशन लेने, तो होता क्या है कि आप BTEC कर रहे हैं, अब आपका मन हुआ नहीं मैं सिर्फ BTEC डिग्री तक रहूंगा, तो आप क्या करिए प्लेसमेंट लीजिए बाहर निकलिए। फिर क्या हुआ, अगला आप चाहते हो कि नहीं BTEC नहीं, मेरे को MTEC की डिग्री चाहिए, तब मैं प्लेसमेंट में जाऊंगा, कि हो सकता है आपका BTEC में ना लग पाए। इस समय भी एक चांस रहता है कि आप क्या कर सकते हैं, MTEC में जा सकते हैं, तो MTEC में स्विच कर जाइए। और इसी तरीके से MTEC के बाद नहीं, आपको लगा कि यार ये प्रोफेसर की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होती है, आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपने सोचा नहीं हमें PhD करनी है या रिसर्च के फील्ड में जाना है। ऐसा आपको हो सकता है पढ़ते वक्त लगे, क्योंकि कुछ पता नहीं होता भाई, अभी ज़िंदगी में ये है कि हमें JEE निकालना है। जब कॉलेज जाते हैं तो इतने डायमेंशंस खुल जाते हैं कि इसीलिए तो आप देखते हो इंजीनियर हर डायमेंशन में घूम रहा होता है, हर काम कर रहा है। तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आपको ऐसा लगा कि अरे यार प्रोफेसर की लाइफ कितनी बढ़िया है, साइंटिस्ट मेरे को थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि यार इनकी इज्जत बाजार में बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो ये बनना चाहूँगा, मेरे को रिसर्च करनी है, तब आप PhD भी कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, एक बार इंट्री ले लिया और उसके बाद उसी कैंपस में आप चाहें तो PhD तक कर सकते हैं, बीच में चाहे छोड़ना छोड़ सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मुझे सिर्फ ये यहीं दिखाई दिया अभी तक, जितने भी मैंने अभी तक कॉलेज के बारे में जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एवरेज प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, 30 से 31 लाख रुपए के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसका प्लेसमेंट देखिएगा, लगेगा आपको कि किसी बहुत ही शानदार NIT का है, बहुत ही शानदार NIT का है, बहुत ही मतलब ठीक ठाक लेवल की IIT का है, वो प्लेसमेंट ये दिलवाता है, समझ रहे हो ना। ओके, तो आप ये समझना है, इसका जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं टॉप 7 IITs के बाद इसका प्लेसमेंट आ सकता है, और जो टॉप की 2-3 NITs हैं उन्हीं के आसपास के रेंज में ये IIIT इलाहाबाद कहीं ना कहीं पहुँच जाता है, बहुत ही शानदार लगेगा। देखते हैं IIIT इलाहाबाद के बारे में बात करते हैं भैया। कैंपस बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा सुंदर दिखेगा, ठीक है जी। शहर के बारे में बता ही चुका हूँ, है ना, घूमने टहलने के लिए अच्छी अच्छी जगहें मिल जाएंगी आपको। वहाँ पर होता है कुंभ का मेला, वो भी एक अपने तरीके का एक आपको उत्साह पैदा करता है कि उस शहर में उस समय क्या होता है कि 3 से 4 करोड़ लोग आते हैं, तो जो तैयारियाँ करती है गवर्नमेंट, जो सजाया जाता है वो ज़बरदस्त लगता है। पहले तो है ना पूरा शहर जो है टेंट का एक मेला बन जाता है, वो बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ लगती है, खूबसूरत नज़ारे होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर इलाहाबाद में, मतलब कि अब तो प्रयागराज कहना पड़ेगा, कि प्रयागराज में गंगा और यमुना जी का वहाँ पे संगम है, तो उस संगम पे अभी क्या है नाव वगैरह चलती है। तो अगर मान लीजिए आप दोस्त बनाते हैं, जो कि आप बनाएंगे ही, किसी भी तरीके का दोस्त हो सकते हैं, या आपके बहुत ही क्लोज कोई हो गया, तो उनको भी ले जा करके आप उस घटा का, उस छटा का आप निश्चित रूप से अनुभव ले सकते हैं। आगे बढ़ जाता हूँ जी, इनको इस्टैब्लिश किया गया था 1999 में, जबरदस्त कॉलेज है, इतने दिनों में तो भैया बहुत ही अच्छा कर गया अगर बोला जाए तो। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, 100 acres में फैला हुआ कैंपस है, सुंदर सा कैंपस है, जबरदस्त सा कैंपस है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, नायब रैंकिंग की बात करें तो 93 रैंकिंग पर आती है, इससे डरिएगा कतई मत। मैंने आपको बता दिया कि इसका प्लेसमेंट कहाँ लाई करता है, अगर प्लेसमेंट वाइज देखोगे, हाँ सब मिला लो, अगर पूरे देश के सारे कॉलेजेस वगैरह मिला लो तो टॉप 20 में रख सकता हूँ इसको, कहीं ना कहीं टॉप 20 के अंदर सिर्फ, लेकिन प्लेसमेंट वाइज मैं भी ये कहना जरूर चाहूँगा, सिर्फ प्लेसमेंट वाइज, ठीक है। ओके, क्योंकि यार IIT का ना एक ब्रांड वाला टैग होता है, वो थोड़ा सा बच्चे को ज़्यादा पुल करता है, इसलिए बच्चा वहाँ भी शिफ्ट ज़्यादा होना चाहता है। आइए देखते हैं, वैसे यहाँ पर तो आपको आने के लिए JEE मेंस का स्कोर चाहिए, IITs में जाने के लिए आपको JEE एडवांस देना पड़ेगा और उसमें भी बढ़िया रैंक लानी पड़ेगी।
है ना। टोटल फीस की बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की जो यहाँ पर फीस है वो 1,05,000 रुपये है, ठीक है, जिसमें कि हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है, हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है। जनरल EWS एंड OBC के बच्चों के लिए इतना देना पड़ेगा जी, ठीक है। SC ST में भी आप जाएंगे तो आपको 40,000 रुपये के आसपास देना पड़ेगा, ठीक है। अदर सेमेस्टर के फीस की बात करें तो ये इस रेंज में आपको देखने को मिलेगा, 81,000 रुपये से लेकर के 1,26,000 रुपये तक मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना, कुछ इस तरीके का वहाँ पर आपको फीस देखने को मिलेगा। क्लियर मामला, ओके। तो यहाँ पर SC ST के बच्चों का भी लिख दिया गया है। अच्छा जी, मेस फीस की अगर मैं बात करूँ तो करीब 26,000 रुपये जो है आपके एक साल की मेस फीस होती है। क्लियर है, फीस में छूट मतलब आपको मिल जाती है। ट्यूशन फीस में आपको छूट तब मिल सकती है जब आप SC ST कैटेगरी से आते हो, ठीक है। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप मिल जाएगा, SBI स्कॉलर लोन स्कीम के थ्रू आपको लोन में मिल जाएगा। ये स्कॉलरशिप नहीं भैया, ये लोन में है ना, ठीक है। बाकी मेरिट कम मींस में अगर आप जाते हैं कैंपस, अच्छा खासा पढ़ते हैं, आपका SI/CGPA ठीक आ रही है, तो निश्चित रूप से आपको कंसिडर किया जाएगा इसी स्कॉलरशिप के लिए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी भी। आइए अगली चर्चा कर लेते हैं प्लेसमेंट पर। देखो भैया प्लेसमेंट क्या लिखा है, IIIT इलाहाबाद का कोई बच्चा है जो न्यूज़पेपर से ये कट है, ठीक है। जॉब जिसको गूगल में मिला हुआ है 1.4 CR का, ठीक है, ओके। 100% प्लेसमेंट हुआ है भाई, 100% प्लेसमेंट, IIIT इलाहाबाद, IIIT AU लिखा जाता है इसको, IIIT इलाहाबाद प्लेसमेंट जो है अगर देखा जाए 100% प्लेसमेंट हुआ था। होगा भी यार, IT और EC में ये लोग पढ़ाते भी हैं, अच्छा जाता भी है, कहा ये जाएगा, है ना। निश्चित रूप से श्रेय देना पड़ेगा कॉलेज को। हाईएस्ट इंटरनेशनल जो पैकेज था वो 1.4 CR पर एनम का था, जो कि आपको दिख रहा है सामने की गूगल में था। चलिए अगला देखते हैं क्या है भैया। 2 स्टूडेंट्स को मिला हुआ है 1.25 CR पर एनम का पैकेज अमेजन से, समझ गया ना भैया, तो मिल जाएगा ठीक ठाक यहाँ पर पैकेज। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो गया था वो 1.2 CR था, डोमेस्टिक का मतलब इंडिया में, बाकी ये इंटरनेशनल पैकेजेस हैं जो आपको ये दिख रहे हैं ऊपर वाले, ठीक है, ओके। अगली बातचीत और चर्चा है हमारी एवरेज पैकेज पर। एवरेज पैकेज देख लीजिए, 30.42 लाख पर एनम, बहुत ही जबरदस्त शानदार एवरेज प्लेसमेंट माना जाएगा। 15% स्टूडेंट्स को प्रेस्टिजियस फांग कंपनी के अंदर जो है प्लेसमेंट मिला हुआ था। सर ये क्या होता है, अरे भैया ये कुछ और खास नहीं है, ऐप से हो गया भैया जी, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, मतलब कि बड़े जो कंपनीज माने जाते हैं वहां पे भैया 15% बच्चे जाते हैं, ये भी अच्छा नंबर है जी, है ना। आइए अगला देखते हैं। 76% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस्ड विद द पैकेज ऑफ ओवर 20 लाख पर एनम, मतलब 20+ लाख का जो पैकेज है वो जो है 76% बच्चों को मिलता है। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ा भी ठीक ठाक रहे अगर कैंपस में, तो आप भैया कंपनी में 25-30 लाख रुपए तो आप बना ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शायद आपको समझ में आया हो कि भैया प्लेसमेंट तो भैया यहाँ इसकी औकात दिखा रहा है इस कॉलेज, ये जबरदस्त कॉलेज है, ठीक है। आइए अब देखते हैं। और इलाहाबाद ना अब बहुत डेवलप भी हो गया, जैसे अपन रहते थे तब उतना नहीं था, अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया, बहुत ही अच्छा बना दिया है, ठीक है। तो रहने लायक शहर भी है, सब कुछ सुविधाएं भी हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद आपका प्लेसमेंट इतना खतरनाक लग गया और क्या चाहिए यार। आइए देखते हैं फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने जो बताया वही लिखा है, बस ये स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। क्या आपको ये मैंने बताया क्या कि फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम, हाँ थोड़ा समझाया था ना, वही वाली चीज़ यहाँ पर भर भर के अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है जी। अब देखिए एग्जिट ऑप्शन भी है, एग्जिट ऑप्शन का मतलब जैसे आप बीटेक तक रहना चाहते हैं सिर्फ, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक डिग्री रिक्वायरमेंट ऑफ 160 क्रेडिट्स होते हैं, जैसे वो कैंपस में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके कोर्सेस पे क्रेडिट्स होते हैं कि 4 क्रेडिट का है, 10 क्रेडिट का, ऐसे करके क्रेडिट्स रहते हैं, वो आपको कंप्लीट करने रहते हैं। कुल मिला के आप समझिए बीटेक कंप्लीट करके आप छोड़ सकते हैं, दैट्स इट। आपको अभी इतना जानना है कि एग्जिट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए एमटेक करके भी आप छोड़ सकते हैं, और आप चाहते हैं आगे PhD करना तो आप PhD करके छोड़ सकते हैं, मतलब PhD करके ऑब्वियसली छोड़ ही देंगे क्योंकि वही तो आपकी लास्ट डिग्री यहाँ से होने वाली है, तो ये थोड़ा सा ठीक लगा, मतलब हाँ अच्छा है, आपके पास ऑप्शन है एटलीस्ट, ठीक है। आइए देखते हैं, तो वो सब जो पीछे मतलब मैंने क्रेडिट शब्द यूज किया ना, उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये क्या चीज़ है, उसकी खास आपको जरूरत अभी नहीं है। चलिए मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लूँ, तो भैया JEE मेंस के थ्रू आपका एडमिशन होगा, जो सा काउंसलिंग एंड लास्ट ये आपकी जो CSAB की स्पेशल राउंड होती है वो आपको सेलेक्ट करवाएगा, यहाँ पर लेकर के आएगा काउंसलिंग के थ्रू। कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT,
बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके बाद जो आगे देखो ये अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सब जगह ये अंडर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम वाली चीज रहे, नहीं, मतलब इन्होंने दो हिस्से में रखा कि किसी बच्चे को भाई केवल बीटेक करना है, आगे कोई झंझट नहीं उसको जीवन में, क्या मैं एमटेक करना है पीएचडी, नहीं भैया पहले से क्लियर है मामला, है ना, विजन सुपर क्लियर है कि हमें भैया पैसा चाहिए, प्लेसमेंट ठीक ठाक करवा दो, तो ये कहानी यहाँ तक फिक्स है, ठीक है। उसी में अगला पोर्शन भी है भैया बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप आगे चाहें तो एमटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपको यहाँ पर ईसीई के में एडमिशन मिल सकता है, और ईसीई जो कि अंडर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम, मतलब कि बीटेक चाहे तो एमटेक नहीं तो पीएचडी तक आप जा सकते हैं। तो ये ही है, मतलब कहूँ तो दो ही है ना, आईटीएल ईसीई, इसका एक जबरदस्त कॉलेज आप इसको कहेंगे। आइए अगला देखते हैं क्या है, बीटेक इन आईटी स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, ये अलग है। तो ये तीन हो जाएंगे, तीन कोर्सेज आप कह सकते हैं, एक ये और एक ये, तो टोटल तीन कोर्सेज यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं। आइए अगली चर्चा करते हैं भैया कट ऑफ पर, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है भैया, जानना बड़ा जरूरी है, मोटिवेशन इसको बनाइए तभी आप यहाँ पे पहुँच पाएंगे। देखिएगा इसी की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 रैंक तक आ सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, 10,000 रैंक तक आप यहाँ पर आ सकते हैं, मामला क्लियर है। अच्छा EWS और बाकी के कैटेगरी रैंकिंग है, ये ना जनरल रैंकिंग है ऊपर वाली, इसके बाद जो है कैटेगरी की रैंकिंग है, कि मतलब जैसे मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी अपनी कैटेगरी में इतने रैंक तक यहाँ पर आ सकता है, अपनी उनकी जो कैटेगरी की रैंकिंग होगी, है ना। ये नीचे जो यहाँ से लिखा, जहाँ से कैटेगरी की शुरुआत हुई है EWS से ओपन के बाद, उसके बाद आपकी कैटेगरी की रैंकिंग मेंशन की गई है। आइए इसी के बाद देखते हैं भैया अगला, अब ईसी अंडर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं तो 10,000 रैंक तक ओपन जनरल वाले बच्चे आ सकते हैं, फीमेल की बात की जाए 15,000 रैंक तक बच्चियां यहां पे आ सकती हैं। इसके बाद EWS से लेकर के ST तक में जो भी कुछ मेंशन किया गया है वो सब कुछ उनके अपने की कैटेगरी की रैंकिंग है। आइए अगला देखते हैं भैया जी क्या है, अगला है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए भैया आपको अच्छा नंबर लाना पड़ता है, रैंक वाइज आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, देखिए करीब 5,000 रैंक लेके आएंगे तब आप IT के अंदर जा पाएंगे जनाब। फीमेल की बात करें तो 10,000 के नीचे रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है जी, बाकी कैटेगरी की रैंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली बात वो अंडर फ्लेक्सिबल वाली चीज़ होगी, है ना, उनके अंदर देख लेते हैं, करीब आपको 5,700 रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। अगर ओपन की बात करूँ 10,000 के रैंक तक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, EWS की बात चीत से यहाँ पे देख सकते हैं, EWS से ST तक की कैटेगरी की रैंकिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगली चीज़ क्या है भाई, अगली चीज़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये भी 5,500 रैंक लेकर के आएंगे तभी आप यहाँ पर जा पाएंगे। फीमेल की बात करूँ 10,000, तो मैं कहूँ सुरक्षित रहना है तो 5,000 रैंक लेकर के आइए जनरल में, और जनरल कौन से बॉयज़ के लिए तो स्पेशली कहूँगा मैं, अगर फीमेल कोटा की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 रैंक तक आप आ सकते हैं, क्लियर है। आइए अगला देख लेते हैं, या इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप वगैरह बढ़िया लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, देख लीजिए सब कुछ मेंशन किया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एवरेज इंटर्नशिप के जो स्टाइपेंड है 2 महीने की वो करीब करीब 1,00,000 रुपए पर मंथ बैठती है, बहुत बढ़िया है, 1,00,000 प्लस अगर आपको इंटर्नशिप में जो है आपको स्टाइपेंड मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात बोली जाएगी, है ना। आइए अगला देखते हैं, ये आपको वहाँ जाके ज़्यादा समझ में आएगा, हाईएस्ट देखिए 2,00,000 रुपए पर मंथ गया हुआ था। अगला देखते हैं, हॉस्टल जबरदस्त है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा सोचने उछने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। 5 तो बॉयज हॉस्टल हैं और 3 जो है गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, मैरिड भी बच्चे वो उनके लिए है, जैसे अगर कोई PhD कर रहा है और शादी कर चुका है तो उसके लिए भी आपको अपार्टमेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, देखिए इतना आपका ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है, ओके। और क्या है जी, मेस वगैरह बढ़िया एयर कंडीशन में, तो अच्छी बात है, ज़बरदस्त। खेलने कूदने नाचने के लिए भी आपकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं जी, डाइनिंग फैसिलिटीज़, खाना अच्छा मिल जाएगा, नाइट कैंटीन अवेलेबल है, ये बढ़िया बात है, इसका मतलब रात्रि में विचरण आप करेंगे तो आपको लगेगी भूख, और भूख की तृप्ति के लिए निश्चित रूप से आप यहाँ पर आ सकते हैं, पहुँच सकते हैं, हाँ ओके। हिंदी ठीक ठाक लगी क्या, देर आर फ्यू फूड्स शॉप्स हैं, जैसे देख लीजिए अभी इतनी बताने लायक कुछ खास है नहीं, ठीक है, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करूँ तो सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज करीब करीब आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या भैया, सोसाइटीज एंड क्लब्स भैया हैं यहाँ पर, बढ़िया है, मतलब कल्चर ठीक है इस कॉलेज का, ये कह सकते हैं, ये देखिए इतने आपको सोसाइटीज मिल जाएंगे, और भी हैं, हमने सब यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, और भी हैं यहाँ पे, ठीक है। कैंपस फैसिलिटीज की बात करूँ, लैब एंड हेल्थ केयर,
हेल्थ केयर की कोई चिंता खास करने की जरूरत भी नहीं है। निश्चित रूप से आपको पहली बात तो कैंपस के अंदर ही सुविधाएं कुछ मिल जाएंगी, नहीं मिल पाया तो इलाहाबाद में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, चिंता की खास बात नहीं है, है ना। ओके, लाइब्रेरी भी बढ़िया शानदार है, क्लियर है मामला। आइए अगला देख लेते हैं। अगली चीज़ क्या है? फेस्ट। फेस्ट है भैया जी शानदार, फेस्ट होता है शानदार। यहाँ पे सब कुछ को ही शानदार कहना पड़ेगा क्योंकि कैंपस है अच्छा, तो ऑब्वियसली अब अगर ये चाहते हैं कि आप एफर्वेसेंस में चार दिन की ज़िंदगी जिए तो जी लीजिए भैया, है ना। कुछ दिन तो अपने अंदर से कुछ एफर्वेसेंस होने दीजिए, निकलने दीजिए अपनी प्रतिभा को। यहाँ पर आप अपने आप को निखारिए, टेक्निकल फेस्ट में जाइए, स्पोर्ट्स के फेस्ट में जाइए, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवेंट में जा कर के इन्वॉल्व होइए, ठीक है। जहाँ बच्चे बच्चे मिल जाएँ पढ़ाने उढ़ाने की कोशिश करिएगा, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए कैंपस जा रहे हैं तो, ठीक है। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।